थे, हमारे लोग देखो जहाँ होंगे हम उनके साथ हैं, जहाँ इनका पसीना गिरेगा हम खून बहाने को तैयार है, ऐसे आप क्या बोलते। सरकार अगर कोई ताना शाही पर उतर आए, सरकार अगर लोकतंत्र का गला घोटने लगे तो क्या हम डर जाएंगे? हम अपने अधिकार के लिए, जो संवैधानिक अधिकार, उसके लिए लड़ेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से। अगर अपनी बात सरकार से कह रहे तो ये क्या गलत है? सरकार को सुनना चाहिए। हाँ, बहुजन समाज पार्टी संवैधानिक दायरे में जितने भी आंदोलन है उसके साथ है। इसमें कोई आप ये कहो के कोई दुराव छुपाव की बात नहीं है। हम लोकतांत्रिक तरीके से जनता के साथ है, हर पीड़ित व्यक्ति के साथ है। तो इस तरह से हम वहाँ धरना स्थल पर गए भी थे, आज ये लोग आए हैं। तो माननीय बहन जी का के सम्मान में माननीय बहन जी ने आप सभी को बच्चों की तरह इनसे बात की है और इनकी मांग के साथ हम लोग तन मन धन से इनके साथ माननीय मोदी रोहतक जाएंगे, ट्वीट करेंगे और आपकी आवाज बनेंगे और आपको न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। और क्या बातचीत हुई आपकी? हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि हम समाज से आते हैं, हम बहुजन समाज से आते हैं, हम दलित पिछड़े हैं, हमारी नेता है। हमें पूरा भरोसा है, जब लिस्ट नहीं आई थी हमारी, तब भी हमारी मुलाकात से हुई थी, तब हमको न्याय मिला था और हमारी आज मुलाकात हुई है, हमें आगे भी न्याय मिलेगा, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। तो अभी आप लोग यहाँ क्या करने वाले हैं? अब हम लोग सीधा आईको गार्डन जाएंगे सर, जहाँ पे हम लोग 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। इस भाजपा सरकार में हमें जंगल वहाँ जेल में बंद किया गया, हम लोग वहीं रहते हैं। ये धरना आगे जारी रहेगा? ये धरना बिल्कुल जारी रहेगा, जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता धरना जारी रहेगा। आपको लगता है बीजेपी सुनवाई नहीं कर रही? देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।